बड़ी खबर आपको बता दी, भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में वाइन शॉप पर हुए झगड़े का पूरा सच निकल कर सामने आया है। शराब दुकान संचालक द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई है, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा शराब दुकान कर्मचारियों को लाठी डंडे से पीटते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और वीडियो में शराब दुकान संचालकों पर पिस्तौल निकालते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि थाना अयोध्या नगर पुलिस ने सभी वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। अयोध्या शराब दुकान का जनरल मैनेजर, तीन दिन से जो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक तथा कथित व्यक्ति जिसका नाम शैलेश सिंह है, वो अपने आप को हमारे यहाँ का कर्मचारी बताकर बोल रहा था पेमेंट मांगने गए थे, पेमेंट नहीं दिया गया, जबकि ये सब बात गलत है। वो हमारे यहाँ कभी काम किया ही नहीं, हमारे कंपनी में कभी वो नहीं रहा है, ना ही हम उसे जानते हैं। अगर वो उसके पास इस तर्क से कोई भी प्रूफ हो, अगर उसके पास किसी भी प्रकार का रजिस्टर हो जिसमें वो आकर कर्मचारी हाजिरी जो होती है, अगर उसमें भी अगर उसका कहीं पे हस्ताक्षर हो, अपने आप को कर्मचारी प्रूफ कर दे, तो हम इस बात को मान सकते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। और आए दिन वो बस रंगदारी टैक्स मांगने के लिए हमारे दुकान में आता है और हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट करता है, और एक दिन तो हद पार कर दिया, स्टॉक में जाकर कर्मचारियों के साथ बहुत ही बुरी तरह मारपीट किया लाठी डंडों से, और बोला कि हम तुम लोगों को जान से मार देंगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। वो तुम्हारे अपने मालिक को बता देना, जिसको बताना होगा बता देना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और मेरे को भी फ़ोन लगा कर उल्टा सीधा गालियाँ देने लगा अभी बीच में। और 8 तारीख की रात को पिपलानी दुकान में गया, वहाँ पर भी कर्मचारियों के साथ गलती गलती गाली दिया, दुकान की पूरी वीडियो बनाने लगा। और फिर अयोध्या दुकान आया, उसके बाद अयोध्या दुकान आने के बाद वहाँ भी वही हरकत किया। उस घटना का मैं दोनों थानों में, पिपलानी थाना में भी आवेदन बना कर दिया हूँ, अयोध्या थाने में भी आवेदन बना कर दिया हूँ, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसके जो स्टॉक में जो मारपीट किया है उसका फुटेज और CCTV फुटेज वगैरह और आवेदन आदरणीय कमिश्नर साहब को भी दिया गया है, और आदरणीय पिपलानी थाना में TI साहब को, आदरणीय अयोध्या थाना में पिपलानी TI साहब को दिया गया है, जिसकी जाँच चालू है। और जब उस दिन जब रात में कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहा था, तो बाहर आकर फिर पिस्टल निकाला और अपने कर्मचारी पिंकू गुप्ता है उसके कनपट्टी भी लगा कर बोला साले जान से मार दूंगा, देखा है कि नहीं पिस्टल, देख इसकी गोली जब निकलेगी ना तो तेरा पिरा शरीर फाड़ देगी। मतलब तमाम ऐसी घटनाएं कई लोगों के साथ कर चुका है, आदतन अपराधी है, आप इसकी अच्छा से जाँच करें। और कई बार हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चुका है आए दिन, और उस दिन जो घटना हुई उस दिन भी आकर के वो मारपीट ही कर रहा था। तब तक हम लोग देखे कि पुलिस आ गई, तब हमें थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि अब तो पुलिस के सामने गोली मार नहीं सकता है। उसी बीच में वो गाली गलौज कर रहा था तो हाथापाई हो गई, झूमा झटकी, बाकी और कुछ अपने तरफ से हुआ नहीं, जिसकी मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी थाने में दे चुका हूँ। और गिनने पर वो बार बार दुकान में आ कर करके यही गुंडागर्दी कर रहा है। विनोद सिंह का भी मेरे ऊपर कई बार फ़ोन आ रहा है, तुम साले काम छोड़ के भग जाओ नहीं तुम्हारा ऐसा कर देंगे। विनोद सिंह भी एक जो उसका मालिक है वो भी एक आदतन अपराधी है, जिसके 17-18 मामले दुर्ग जिले में चल रहे हैं, और यहाँ कमिश्नर साहब उसका रिकॉर्ड निकाल के देख भी चुके हैं। विनोद सिंह का एक गुर्गा है शैलेश सिंह, जो विनोद सिंह के इशारे पे गुंडई कर रहा है और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो प्रशासन से और आप सभी लोगों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि इसकी अच्छे से जाँच करके इससे हमें मुक्त कराएँ। इससे हमें बहुत डर है, भय है, हमेशा भय बना रहता है, रात भी रात निकलना रहता है सर, काम करना है, और हम प्रशासन के करोड़ों का ठेका लिए हैं और हम इससे बहुत त्रस्त हैं, हमेशा भी नुकसान में जा रहे हैं। प्रशासन से यही गुहार है कि बच्चे छोड़कर हम इतने दूर आए हैं काम करने के लिए, लेकिन ये हमें ढंग से काम करने नहीं दे रहा है सर, बार बार धमकी दे रहा है, मारने पीटने का सब कर रहा है, और ज़बरदस्ती जो हमें बदनाम कर रहा है वीडियो वायरल करके, उसकी अच्छे से जाँच हो। और मैं सब फुटेज, जितने फुटेज हैं मेरे पास उसके मारपीट के, उसके पिस्टल उछल दिखाने के, सब मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे मोबाइल में सबको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। बार बार गुहार कर रहा हूँ शासन से, मैं बार बार गुहार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमें इस अपराधी से मुक्ति दिलाएं।